गाइस, आई एम सरोज कुमार शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कमला चिल्ड्रन गार्डन स्कूल के क्लास 3 का कंप्यूटर बुक पढ़ेंगे, जिसका नाम है डिजिटल वर्ल्ड। इस बुक का सबसे पहला चैप्टर आज हम लोग देखेंगे और दूसरे वीडियो में इसका अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस स्कूल का कंप्यूटर बुक का सबसे पहला चैप्टर। तो सबसे पहला चैप्टर है क्लास 3 का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। चलिए तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, कंप्यूटर का परिचय क्या है हम इसको जान लेते हैं। तो दिया गया, आप लाइन बाई लाइन देखेंगे, आप किताब को सामने रखेंगे और उसे ध्यान से पढ़ेंगे। दिया है, ए कंप्यूटर इज ए यूजफुल मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक उपयोगी मशीन है। इट इज यूज इन ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, या जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। वी कैन प्ले गेम, हम लोग इसे गेम खेल सकते हैं। राइट लेटर, पत्र लिख सकते हैं। ड्रॉ पिक्चर, इस पर पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। लिसन म्यूजिक, इसे गाना सुन सकते हैं। स्टोर इंफॉर्मेशन, और सूचनाओं को संग्रह कर सकते हैं। सॉल्व सम, सवाल बना सकते हैं। ऑन ए कंप्यूटर इट कैन वर्क वेरी फास्ट एंड डू नॉट मे मेनी जॉब एट द सेम टाइम्स। कहता है यह बहुत तेजी से काम करता है और एक साथ में बहुत सारा काम कर सकता है। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न द यूज ऑफ कंप्यूटर, इसके पहले क्लास में हम लोग कंप्यूटर का यूज पढ़े थे। इन डिफरेंट फील्ड, जिसका उपयोग भिन्न क्षेत्रों में हुआ था। लेट अस रिव्यू सम ऑफ दिस एरियाज, चलिए हम उन एरियाज को थोड़ा देख लेते हैं, कहाँ कहाँ कंप्यूटर का उपयोग होता है उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि कंप्यूटर का उपयोग होता है कहाँ? स्पेस रिसर्च में, ऑफिस में उपयोग होता है, इसके अतिरिक्त हॉस्पिटल में उपयोग होता है, फिर डिफेंस क्षेत्र में जाइए, फिर डिजाइनिंग में जाएंगे, एयरपोर्ट, एनिमेटेड मूवी बनाना हो, या बैंक में हो, यानी सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जो कि हम लोग पहले वाला क्लास यानी क्लास 2 में पढ़े थे। आगे दिया है वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का काम। देखिए, द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द आईपीओ। कहता है कंप्यूटर का जो काम है वो आईपीओ पर निर्भर है। आईपीओ का मतलब हुआ है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। आईपीओ जो दिया गया है, आई का मतलब इनपुट और पी का मतलब प्रोसेसिंग और ओ का मतलब हुआ आउटपुट साइकिल। कहता है द कंप्यूटर टेक्स द डाटा वी इंटर एज इनपुट। कहता है हम जैसे इनपुट के रूप में कोई डाटा कंप्यूटर को देते हैं, प्रोसेस इट, वो उसका प्रोसेस करता है एंड गिव्स इंफॉर्मेशन एज आउटपुट, तब उसका आउटपुट हमें देता है। यानी कहने का अर्थ है कि हम कंप्यूटर को माउस या कीबोर्ड के सहायता से जो डाटा देते हैं वो इनपुट है, इसके बाद जब वो सीपीयू में जाता है तो उसका प्रोसेसिंग होता है, और मॉनिटर पर जो दिखता है वो क्या है? आपका आउटपुट है। आगे इनपुट क्या है देखते हैं। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विच वी इंटर यूज ए कीबोर्ड और ए माउस इन टू ए कंप्यूटर कॉल्ड इनपुट। कहता माउस और कीबोर्ड की सहायता से जो हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं उसे इनपुट कहा जाता है। वी कैन इंटर नंबर, वर्ड, पिक्चर एंड साउंड एज इनपुट। हम लोग इनपुट के रूप में क्या करेंगे? संख्या का उपयोग करेंगे, किसी वर्ड का उपयोग करते हैं, या कोई पिक्चर अपलोड करते हैं, या साउंड अपलोड करते हैं। और प्रोसेसिंग में देखिए क्या होता है। आफ्टर इंटरिंग डाटा, जो हम क्या करते हैं कंप्यूटर में इन चीज को इंटर करते हैं यानी माउस या कीबोर्ड से देते हैं, तो क्या होता है? इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर द सीपीयू वर्क ऑन द इनपुट टू गिव अस ए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो हमारे दिए गए डाटा पर सीपीयू क्या करता है? वर्क करता है। दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, और इसी क्रिया को, वर्क करने की क्रिया को ही प्रोसेसिंग कहा जाता है, और प्रोसेसिंग के बाद हमको आउटपुट मिलता है। तो देखिए आउटपुट में क्या दिया गया है। द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज नोन एज आउटपुट। कहता है प्रोसेसिंग के बाद जो अर्थपूर्ण हमें फीडबैक मिलता है उसे कहा जाता है आउटपुट। द इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट आईपीओ साइकिल कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। कहता है इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग को एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं।
कहते वी डू वी व्हाट डू वी डू व्हाट डू यू डू आप क्या करते हैं व्हेन यू वांट टू टॉक टू ए फ्रेंड और ए टेलीफोन जब आप टेलीफोन पर अपने मित्र से बात करते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले इनपुट में आप क्या करते हैं डायलिंग द नंबर आप नंबर डाल करते हैं फिर उसका प्रोसेसिंग होता है यानी मोबाइल से कनेक्ट होता है दे आफ्टर आउटपुट के रूप में आप उसे टॉकिंग करते हैं यानी कहने का अर्थ है जब कहीं बात करना होगा तो पहले आपको नंबर डायल करना होगा जिसे कहा जाएगा इनपुट डायलिंग के बाद कनेक्ट होगा जिसे प्रोसेसिंग कहा जाएगा और बाद में जब बात शुरू हो जाएगा तो उसे कहा जाएगा कि आउटपुट हो रहा है आगे टाइप ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर कितना प्रकार है देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इन टू फोर टाइप्स कहता है कि आकार के आधार पर साइज के आधार पर कंप्यूटर को चार भागों में बांटा गया है सबसे पहला मिनी कंप्यूटर दूसरा माइक्रो कंप्यूटर सबसे पहला माइक्रो दूसरा मिनी कंप्यूटर तीसरा मेनफ्रेम कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर याद कर रहे हैं कंप्यूटर आर फोर टाइप्स फर्स्ट इज माइक्रो सेकेंड मिनी थर्ड मेनफ्रेम कंप्यूटर एंड फोर्थ इज सुपर कंप्यूटर चलिए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले कंप्यूटर है दे आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर इसको पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं दे आर जनरली यूज इन स्कूल शॉप होम एंड ऑफिस इसका उपयोग स्कूल शॉप होम और ऑफिस से किया जाता है सम एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स आर सो आइस फ्लो कुछ माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है सबसे पहला लैपटॉप है पाल्मटॉप है दूसरा टैबलेट है और तीसरा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स पीडीए है ये सब क्या है माइक्रो कंप्यूटर का एक प्रारूप है दूसरा है मिनी कंप्यूटर कहते हैं मिनी कंप्यूटर आर बिगर देन माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं मिनी कंप्यूटर जो होता है माइक्रो कंप्यूटर से क्या होता है बिगर बड़ा होता है मोर पावरफुल और उससे ज़्यादा शक्तिशाली होता है दे आर फास्टर एंड हैव मोर मेमोरी वह ज़्यादा तेज काम करता है और माइक्रो कंप्यूटर से इसमें ज़्यादा मेमोरी भी होता है दे आर यूज इन ऑफिस टू कनेक्ट मेनी कंप्यूटर इसका उपयोग ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है चलिए तो हमने पढ़ा कि माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर है जबकि मिनी कंप्यूटर उससे बड़ा कंप्यूटर है जो अनेक कंप्यूटर को एक साथ जोड़ता है आगे मेनफ्रेम कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर मेनफ्रेम कंप्यूटर हैव फास्टर स्पीड एंड लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन मिनी कंप्यूटर कहता है मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा इसमें स्टोरेज क्षमता होता है और ज़्यादा फास्ट होता है दे आर यूज इन बिग ऑर्गेनाइजेशन इसका उपयोग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्र में किया जाता है दे आर मोस्टली यूज इन बिग ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च पर्पस इसका उपयोग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन और वैज्ञानिक खोज अनुसंधानों में इसका उपयोग किया जाता है आगे दिया है सुपर कंप्यूटर देखिए सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर यह सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है दे आर वेरी एक्सपेंसिव यह बहुत ज़्यादा खर्चीला भी है दे आर यूज फॉर वेदर फॉरकास्टिंग यह क्या किया जाता है कि मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है एंड डिफेंस पर्पस सच एज कंट्रोल सेटेलाइट एंड मिसाइल्स और इसका उपयोग सेटेलाइट तथा मिसाइल को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है क्योंकि यह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है सुपर कंप्यूटर आगे आगे दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स कहता है कि मूल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल के सिद्धांत आधार पर कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है पहला ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर बांटा गया तीन भाग में पहला है डिजिटल कंप्यूटर दूसरा एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल एनालॉग एंड हाइब्रिड डिजिटल में देखिए डिजिटल कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटीज विथ द हेल्प ऑफ डिजिट और नंबर दे आर यूज्ड इन कमर्शियल एंड कंट्रोल सिस्टम कहता है डिजिटल कंप्यूटर में क्या किया जाता है या अंक और संख्या का उपयोग करके या भौतिक मात्राओं को रिप्रेजेंट करता है दे आर यूज्ड इन कमर्शियल एंड कंट्रोल सिस्टम इसका उपयोग व्यावसायिक और नियंत्रण के कार्यों में किया जाता है दूसरा है एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर आर फास्टर देन डिजिटल कंप्यूटर जो एनालॉग कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट होता है दे यूज फिजिकल क्वांटिटीज टू शो कैलकुलेशन ये क्या करता है भौतिक मात्राओं का उपयोग करता है उसे शो करने के लिए कैलकुलेशन को दिखाने के लिए दे आर यूज इन हॉस्पिटल एयरक्राफ्ट एंड अदर प्लेसेस इसका उपयोग हॉस्पिटल एयरक्राफ्ट और अदर प्लेस में किया जाता है
अगला हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर वर्क एज बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, या एनालॉग तथा डिजिटल दोनों के जैसा काम करता है। दे ऑपरेट बाय बोथ काउंटिंग एंड मेजरिंग, इसका ऑपरेटिंग जो है काउंटिंग और मेजरिंग दोनों प्रकार से किया जाता है, अर्थात हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल एंड एनालॉग दोनों का गुण पाया जाता है और इसका उपयोग दोनों की तरह किया जा सकता है, अर्थात दोनों को मिलाकर हाइब्रिड बनाया गया है जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों का गुण पाया जाता है। आगे कहता है व्हाट मेक्स ए कंप्यूटर पावरफुल, वह क्या है जो कंप्यूटर को पावरफुल बनाता है। तो देखिए सबसे पहला स्थित है ए कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड कैन डू ए लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन, कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करता है और बहुत मात्रा में कैलकुलेशन को तेजी से कर सकता है। रिलायबिलिटी इसकी क्या है, कंप्यूटर क्वाइट रिलायबल, दे डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, कंप्यूटर एक ऐसा है संयंत्र है जो कभी मिस्टेक नहीं करता है। कंप्यूटर अगला भी स्टोरेज, ए कंप्यूटर कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, कंप्यूटर बहुत बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकता है, विच कैन बी यूज एनी टाइम, जिसका उपयोग हम लोग कभी कर सकते हैं। अगला भी वर्सेटिलिटी, कंप्यूटर कैन परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ टास्क एंड इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड, कहता है कंप्यूटर अनेक प्रकार का काम करता है और यह सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। एक्यूरेसी, ए कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स करेक्ट रिजल्ट, ए कंप्यूटर हमेशा सही रिजल्ट देता है। मिस्टेक आर नॉर्मली डन फ्रॉम ए यूजर साइड, अगर कोई मिस्टेक होता है तो यूजर के द्वारा ही मिस्टेक किया जाता है। डिलीजेंस, ए कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर विदाउट गेटिंग टायर्ड, एक कंप्यूटर जो है काफ़ी चंचल होता है, यह बिना थके हुए घंटों घंटों काम कर सकता है। मल्टी टास्किंग, एक कंप्यूटर कैन डू मेनी टास्क एट द सेम टाइम, एक कंप्यूटर जो है एक ही समय में अनेक काम कर सकता है। इन सबको देखते हुए कंप्यूटर क्या है, बहुत ही अधिक पावरफुल और यूजफुल है। कहता है डिसएडवांटेज ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का कुछ कमी भी है उसको देख लीजिए। ए कंप्यूटर इज यूजफुल लर्निंग टूल्स बट इट हैज सम डिसएडवांटेज व्हिच आर फॉलो, कहता है कंप्यूटर में तो बहुत सारा एडवांटेज है लेकिन इसमें डिसएडवांटेज भी है, इसमें कुछ अवगुण भी हैं। तो देखिए कौन कौन सा अवगुण है, जीरो आईक्यू यानी इंटेलिजेंस आईक्यू, जो इसका इंटेलिजेंस आईक्यू होता है जीरो होता है। ए कंप्यूटर डू नॉट हैव आईक्यू और इट्स ओन इंटेलिजेंस, कहता है कंप्यूटर का कोई अपना आईक्यू नहीं होता और नहीं खुद का तेज होता है। बाय मिस्टेक इफ यू इंटर द इनकरेक्ट इनपुट इट विल गिव द रॉन्ग रिजल्ट, यदि आप गलती से कोई गलती इनपुट देते हैं तो वह गलत ही रिजल्ट देता है क्योंकि उसको सोचने विचारने की क्षमता नहीं होती है, यह उसका क्या अवगुण है। दूसरा हेल्थ, वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर फॉर ए लॉन्ग आवर कुड आफ्टर योर आई साइड इट कुड ऑल्सो बिकम द कॉज ऑफ ओबेसिटी, कहता है कि आप हम क्या करते हैं बहुत लंबे समय तक कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो क्या करता है आपकी आंखों पर इफेक्ट डालता है, यानी कहने का अर्थ है इसका डिसएडवांटेज है। इलेक्ट्रिसिटी, ए कंप्यूटर डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन नॉट वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट इट, कहता है यह इलेक्ट्रिसिटी पर ही काम करता है और इसके बिना यह काम नहीं कर सकता है। कॉस्टली, कहता है इट इज कॉस्टली डिवाइस, यह काफी महंगा डिवाइस है जो इसका यह अवगुण है। हमें चैप्टर खत्म हो जाता है, चलिए कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपको टिक लगाना है, इसमें फोर में से फोर विकल्प दिए गए, उसमें आपको थ्री विकल्प दिए गए उसमें से एक सही है जिसे आपको सही चुनना है। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, ए कंप्यूटर हैज नो ब्रेन सेलिंग बोथ, बिल्कुल इसका ब्रेन भी नहीं है और ना ही ब्रेन तो है लेकिन फीलिंग नहीं होता है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा बी, आपका आंसर होगा बी, कैन कंप्यूटर फील नहीं करता, ब्रेन तो है सीपीयू है इसके पास। द डाटा और इंस्ट्रक्शन दैट वी इंटर इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो कंप्यूटर में डाटा देते हैं उसे क्या बोलते हैं, बी कॉल्ड इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, जो देते हैं उसको इनपुट बोला जाता है, अतः आपका आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्यूटर आर यूज इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, किस कंप्यूटर का उपयोग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, माइक्रो मिनी या मेन फ्रेम, तो आपका आंसर हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। विच कंप्यूटर्स आर यूज फॉर वेदर फॉरकास्टिंग एंड डिफेंस पर्पस, किस कंप्यूटर का उपयोग मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए या डिफेंस पर्पस से किया जाता है, बिकॉज माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर, तो आपका आंसर होगा सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है।
विच कंप्यूटर्स ऑपरेट बाई बोथ काउंटिंग एंड मीनिंग, कहता है कौन सा कंप्यूटर है जो काउंटिंग और मेजरिंग दोनों आधार पर कार्य करता है, ऑपरेट किया जाता है, डिजिटल एनालॉग या हाइब्रिड। तो आपका आंसर होगा वो हाइब्रिड कंप्यूटर है, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके सारे विषय की पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी।